बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कुछ बर्ड्स के हम डीएनए सैंपल लेने जा रहे थे, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएँ, साथ हम सैंपल भी कलेक्ट कर लेंगे। तो आपके भी जब चिक्स सेल्फ हो जाएं तो प्रॉपरली फिर आप ये किया करें कि आप भी बर्ड्स के डीएनए करवा लिया करें, क्योंकि जब आपके बर्ड्स के डीएनए हो जाते हैं तो फिर वो आगे बआसानी आपके फरोख्त हो सकेंगे। और एक छोटी सी टिप आपको बताता जाऊं कि आप जब आपके पास चिक्स आ जाएं तो तकरीबन 14 से 15 दिनों बाद आप जब चिक्स छोटे हों तो आप उनमें क्लोज रिंग डालें, क्योंकि क्लोज रिंग का जो बर्ड होता है वो अगर आप उसका डीएनए करवाते हैं तो वो बड़ी बआसानी बिक जाता है। अपने एक फार्म का, एवरी का, या इवन के आपने 5-10 पेयर भी रखे हुए हैं तो कोशिश करें कि, तो फ्रेंड्स कोशिश किया करें कि आप भी अपनी एवरेज के नाम की रिंग्स बनवा लें। उनमें यह है कि आप अपने जो आपके पास बर्ड्स हैं उस साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की क्लोज रिंग भी मिलती हैं और बड़े साइज़ की भी रिंग मिलती हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि आपका बर्ड्स बड़ी आसानी से क्लोज रिंग बर्ड का जो होता है ना, वो आपका बड़ा आसानी से बिक जाता है। जो क्लोज रिंग होती है, क्योंकि वो आपके बर्ड्स की निकलती नहीं है, वो आपके बर्ड्स में बचपन ही से पड़ जाती है। और जब आप उसका डीएनए करवाते हैं, क्योंकि होता ये है दोस्तों के हर जगह हर फील्ड में कुछ ना कुछ धोखे फ्रॉड पाए जाते हैं, तो इसी तरह बर्ड्स की अगर खुली रिंग होती है तो वो बाद में जब बड़ा बर्ड बड़ा होता है वो चेंज होके उसके डीएनए में रद्द बदल हो सकती है। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके बर्ड में जब स्टार्ट में से क्लोज रिंग पड़ जाती है तो आपके फार्म की रिंग पड़ जाती है, तो वो जब बर्ड या तो एक्सपायर होगा तभी निकलेगी या उसका पंजा काटेंगे तभी निकलेगी। तो आप अपना बर्ड्स को, चिक्स को जब 15 से 20 दिन के हों तो आप लाजमी क्लोज रिंग डालें, और फिर जब बच्चे आपके सेल्फ हो जाएं तो उसके बाद आप किसी अच्छी ऑथेंटिक लैबें, तो बहुत है अभी, काफ़ी सारी हैं, कोई 500 में कर रहा है, कोई 1000 रुपये में कर रहा है, कोई 1500 में कर रहा है, लेकिन ये है कि आप किसी भी अच्छी लैब से आप डीएनए करवाएंगे तो आपका बर्ड बड़ा बड़ी आसानी से जो बिक जाएगा। और जब आप अच्छी लैब से करवाएंगे तो उसमें यह है कि आपको जो रिजल्ट की श्योरिटी होगी वो माशाल्लाह काफ़ी ऑथेंटिक होगी, आप बआसानी, क्योंकि माजी में भी कुछ इस तरह हुआ कि कुछ मैंने सस्ती लैबों से, या कोई नई लैबें थी, सस्ती तो नहीं कहते चलें लेकिन नई लैबें थी, उन लैब से हमने करवाया जो प्रॉपरली जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, फिर जब हमने बर्ड्स आगे सेल किए तो जिनका जेंडर जो डीएनए रिपोर्ट के ऑपोजिट आया तो वो उन लोगों ने फिर हमें कंप्लेन करना शुरू किया कि यार ये आपकी मिस्टेक है। देखा जाए तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आया कि जो अपने बर्ड्स के सैंपल भेज रहे हैं वो अच्छी लैबों को भेज रहे हैं या जो एक 10 बाय 10 के, 12 बाय 12 के कमरे में भी किसी लोगों के, काफ़ी सारे लोगों ने लैब्स खोली हुई हैं और वो आपको रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली एक लैब का, एक बड़ी लैब का अगर चार्जेस उसके डिफरेंट हैं तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा और ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये देखें कि जिस बर्ड के पाँव में अगर आपके फार्म की रिंग पड़ा हुआ है तो वो आपकी एक पब्लिसिटी है, और अगर आपका आपका डीएनए जेंडर उसमें मेल है और वो आगे जाके जब ब्रीडिंग सीजन पे आता है तो उसका अगर वो जेंडर फीमेल निकल आता है तो फ्रेंड्स जहरी बात है वो एक आपकी बदनामी है, और आप नहीं चाहेंगे कि आपका नाम मार्केट में खराब हो। तो दूसरा ये है कि देखें, बायर का भी नुकसान इस तरह होता है कि एक बायर है, उसने अगर मेल फीमेल डीएनए बेस पे लिए हैं, क्लोज रिंग बर्ड थे तो आपने अपने रिंग भी अच्छा डाल लिया, क्लोज रिंग डाल लिया, लेकिन आगे जो डीएनए है आपका वो अच्छा नहीं है, वो ऑथेंटिक लैब से नहीं है, तो एक बंदा है उसको अगर 2 साल उन पेयरों को रखता है, वो एट द एंड ऑफ जो जाके दोनों या तो फीमेल निकल आती है या दोनों मेल निकल आते हैं, तो वो नया फैंसियर है, वो काफी ज्यादा इससे उसका, तो वो फ्रेंड्स का डिसार्ट हो जाएगा और इस हॉबी से मुतनफर होके फिर बाहर निकल जाएगा। तो मैंने भी कुछ रिंग्स बनवाई हुई हैं, हर साल हम अपने सीजन वाइज मतलब रिंग्स बनाते हैं, क्लोज रिंग भी बनवाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे अगर फार्म में जो भी बच्चा है पिन फीडर पे भी जा रहा है, सेल हो रहा है या सेल्फ होके सेल हो रहा है,
पिन फीचर वाले का तो हम फ्रेंड डीएनए नहीं करवा सकते, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चा हमसे सेल्फ होके सेल होता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अगले को कंफर्म जेंडर दूं। कंफर्म जेंडर से ये है कि एक तो मैं अगले से अपनी बर्थ की जो कीमत होती है वो अच्छी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके बर्थ पास जेंडर कंफर्म होता है, सपोज दैट मेरे पास अभी 10-11 पीसेज है जिनके मैंने डीएनए करवाने हैं। अब लेने वाला भी इस सोच में होगा कि यार इनका जेंडर क्या है, मेल है, सारे मेल है या फीमेल है, तो ये उसके लिए भी मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैं भी ऑब्वियसली इस उस का टेंशन का शिकार हूंगा कि जो मैं चीज सेल कर रहा हूँ वो मैं कैसी सेल कर रहा हूँ, मेल है फीमेल है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसमें यह है कि वो आपके अखराजात आ जाते हैं, जो अखराजात आते हैं तो वो आपके बर्ड अच्छी रेट पे बिक जाता है डीएनए बर्ड, क्योंकि हमारा जारी बात है रोजमर्रा का फ्रेंड्स काम है। तो जो हमसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं बर्ड लेने, तो वो क्लोज रिंग वाला अच्छी लैब वाला जो डीएनए होता है तो वो लोग बड़ी खुशी से और बासानी ले लेते हैं। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बच्चा अगर वो 23-24 हज़ार का ले रहे हैं विदाउट डीएनए, तो वो डीएनए के साथ आपका तो 25-26 हज़ार का भी लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगलों को एक जेंडर कन्फर्म मिल रहा है। सपोज दैट अगर उनके पास घर में अगर मेल अवेलेबल है तो वो यहाँ से फीमेल ले लेंगे, अगर घर में फीमेल अवेलेबल है तो मुझसे मेल ले लेंगे। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब आपके पास पीस सेल्फ हो जाए, थोड़ी सी इसमें तरद्दुद करना पड़ता है आपको कि यार बर्थ के सैंपल लेके आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं लैब में, फिर वो आपके तकरीबन 48 आवर्स तक आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत एक दो दिनों का आपका कोशिश लगती है, लेकिन यह है कि आप चीज अच्छी और बासानी बेच सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये मेरे पास कुछ रिंग्स हैं, तो ये दोस्तों आप भी कोशिश करें कि इस तरह की रिंग्स बनवाएं। ये अब मेरे फार्म की रिंग है, बर्ड्स किंगडम इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और 26। अब ये मेरे ना जो रिंग नेक हो गए, म्यूटेशन में रिंग नेक आते हैं उनका, अच्छा लोरी को भी यही डाल जाती है, और ये क्लोज रिंग नेक है, क्लोज रिंग है ये। जब ये एज में बड़े हो जाते हैं चिक्स, तो फिर ये निकलती नहीं है। इसी तरह हम अभी अब सन कॉर्नियर को जो रिंग डालते हैं, बच्चा 15 दिन का बच्चा, हम उसको ये रिंग डाल देते हैं, तो उस पर बाकायदा एक एवरी का नाम है और एक कोड नंबर है, जो जिससे आप जब डीएनए सैंपल लेंगे तो उसके पैक पे आप ये लिखेंगे। तो अभी हमारे साथ रहे, आपको दिखाते हैं एक पीस पकड़ के उसका डीएनए कैसे लिया जाता है। माशाल्लाह इस बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे चैनलों पे मौजूद है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए, पुराने फैंसियर्स को तो पता है लेकिन जो नए फैंसियर्स हैं उनके लिए गनीमत है ये चीज़। गनीमत इस वजह से है क्योंकि जब हम भी नए थे तो हम भी इसी तरह लर्निंग करते थे, आगे से वीडियो देख के किसी के पास जाना, उससे सीखना। तो आप भी जो नए लोग हैं उनके लिए तो माशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट्स है, पुराने फैंसियर्स हैं, तजर्बाकार हैं, तो उनको तो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं कि हम बर्ड्स पकड़ के भी कैसे ये लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा एक सन कॉर्नियर का पीस था, सेल्फ है, तकरीबन 3 से 4 मंथ इसकी एज है। अब इसको हमने पकड़ा है, ये देखें अब इसके पाँव में क्लोज रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये क्लोज रिंग बचपन में हमने डाल दी है और अब ये निकलेगी नहीं। और अब इसका हम सैंपल लेंगे, अगर ये देखें तो ये फीडर्स के जो नीचे वाले फीडर्स हैं ना, ब्लड वाले फीडर्स, ये आपने इसके लेने हैं। तो दोस्तों ये मैंने फीडर्स इसके निकाले हैं, ये अंडर द फीडर्स जो ये छोटे वाले, ये वाले आपने लेने हैं, ठीक हो गया। और कोशिश करना है कि आपने इसकी टिप पे कोई आपका फिंगर वगैरह ना लगे, और बिल्कुल आपने अपना जो बैग है उसको रेडी रखना है, खुला रखना है, और इस तरह ही इसको डाल देना है। फिर आपने कुछ इसके टेल के नीचे से फीडर्स लेने हैं, ये देखें ये फीडर्स भी आपने इसके नीचे डाल देने हैं, क्योंकि वैसे तो सैंपल के लिए तकरीबन 1 से 2 फीडर्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन जब हम
तकरीबन यहाँ से अगर लाहौर कार्गो करवा रहे हैं तो सैंपल आप कोशिश करें कि 4-5 ज्यादा ले लें। अगर वो उधर रिजल्ट सही नहीं आता तो आपको रिसबमिट ना करवाने पड़े, उससे ये होगा कि आपका लॉस होगा, जो आपने सबमिट किए होंगे वो आपका लॉस हो जाएगा। वो कहेंगे दोबारा शो नहीं हो रहे तो आप दोबारा ये भेजें। तो आप कोशिश करें कि लेफ्ट राइट दोनों साइड से आप अपने बर्ड्स के सैंपल लें। तो ये देखें, अभी हम मैं दूसरी साइड से भी इसके ये सैंपल लेने जा रहा हूँ। अब कुछ मैं इसकी चेस्ट चेस्ट के उतारूंगा, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स इसके हमने ले लिए सैंपल। फिर आपने क्या करना है, इस जिप वाला बैग लेना है। जिप वाले बैग में आपने अच्छे से इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद फ्रेंड्स आपने स्पीशीज है जिसका आपने सैंपल लिया है उसका नाम लिखना है, ठीक है। हम एच एस लैब से करवाते हैं, आप जिस लैब से करवा रहे होंगे, अगर ये आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप पाउच के ऊपर जो आपने लिख लेना है, तो स्पीशीज का नाम लिख लेना है। अभी मैं रिंग नंबर देखा है वो लिखता हूँ, तो ऑनर्स हमारा जो एवरी का नाम है या ऑनर्स का नाम है आपने वो लिखना है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रिंग नंबर 15 है, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने सैंपल ले लेना है, और ये देखें बैक साइड, तो लगभग आपके कुछ 4-5 फीटर्स या 6-7 फीटर्स एक्स्ट्रा भी हों तो इसमें ये होगा कि अगर लेबॉरेटरी में रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो वो दोबारा फीडर्स आपसे ना मंगवाएं, वही फीडर्स आपके पास, आपके फीडर्स उनके पास पड़े होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको ऑथेंटिक रिजल्ट देंगे। तो ये देख लें आप पहले से बर्ड्स पकड़ने से पहले ये देखें हमने तैयारी कर ली। तो आप भी ये बकायदा इस तरह बैग वगैरह रेडी रखें, जिन बर्ड्स को रिंग वगैरह नहीं पड़ी हुई तो आप उनको, अगर बड़े बर्ड्स हैं उनको रिंग नहीं है तो आप उनको खुली रिंग डाल के, ये क्लोज रिंग तो उन बर्ड्स को डलनी नहीं, तो आप इन उनको खुला डाल के रिंग तो आइडेंटिफाई करके आपने उसका नंबर फिर आपने पाउच में डालना है। इससे ये होगा कि आपको एक अच्छा और ऑथेंटिक जेंडर का रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बनती रहेंगी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।